वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। और आप लोग सब कैसे हैं? तो आज हम लोग जा रहे थे लोनावला मन्नत विला में, और वहाँ का हम लोग ने ये बुक किए थे हम लोग ने इंस्टाग्राम से। तो चलो मैं बताती हूँ आपको वहाँ लेकर जाके कि ये विला कैसा है, कितना अच्छा है। तो आप लोग भी इसे बुक करके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वहाँ का विला कैसा है। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट और मस्ती मजाक करके हम लोग चल रहे थे। मारिया और आयजा को तो हमारे साथ ही इंजॉय करने में मज़ा आता है, इसलिए वो सिर्फ हमारी कार में हमेशा बैठते हैं, इंजॉय करते हैं हमारे साथ। लोनावला जाने का व्यू कितना अच्छा है ना, बहुत सुकून लगता है। लेकिन ये टाइम पे गर्मी बहुत थी, गर्मी का सीज़न है इसलिए फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर हमारी बच्चों को तो विंडो ही खुली रखनी पसंद है, तो फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं और इंजॉय करते चलते हैं हमेशा की तरह। फिर हम लोग ने फर्स्ट टोल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हम लोग समोसे लेकर आए थे खाने के लिए। तो फर्स्ट टोल क्रॉस करने के बाद हम लोग साइड में रुककर समोसे खा रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। और ये समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाते और इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कभी कभी खाने के लिए। तो मन्नत विला में पहुंच गए। फिर हम लोग का थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा था। और ये है विला, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नेम से विला है मन्नत विला के अंदर। तो हम लोग ने यहाँ पर 10 नंबर वाला बुक किए थे, और उसके सामने भी बहुत बड़ी पार्किंग है। और ये है पूरा बड़ा सा विला, और यहाँ पर फिर मैं आपको अंदर का बताती हूँ कि क्या क्या है अंदर। हम लोग ने यहाँ पर 3 BHK बुक किए थे, और ये इसका एंट्रेंस। फिर ये है हॉल, आप लोग आगे आगे देखते जाओ कि कितना अच्छा है ये। अलीफा भी देखो अपने खुद के व्लॉग में बता रही है विला, तो आप लोग भी इसका ब्लॉग चेक करना और देखना। उसकी भी ब्लॉग में बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत हम लोग ने इन्जॉय किए, तो आप लोग उसका भी ब्लॉग ज़रूर देखना। और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसका भी देख लेना ब्लॉग। हॉल के ही बाजू में एक बेडरूम भी है, और उसके बाजू में किचन भी है, और दोनों के सामने स्विमिंग पूल है। और यहाँ का बेडरूम का इंटीरियर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और हर एक बेडरूम में एसी भी है। हर रूम में मिरर सेल्फी भी है, आप लोग सेल्फीज ले सकते हैं। बहुत अच्छा इंटीरियर है यहाँ के बेडरूम्स का।
और ये किचन है, और किचन के सामने देख सकते हैं पूल भी है, और यहाँ पे हर एक चीज़ भी है आप लोग को जो कुछ मतलब खाना बनाना है या कुछ भी, तो बर्तन वगैरह भी है, स्पून और ओन भी है देख सकते हैं आप लोग, फ्रिज भी है किचन में, जो जो आप लोग को यूज़ में आ सकता है वो सब चीज़ें यहाँ पर है किचन में। मैं आप लोगों को ऊपर ले चलती हूँ दिखाने के लिए सेकेंड और थर्ड बेडरूम, और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छे से मतलब इन लोगों ने क्लीन किए हैं, कहीं भी ऐसे गंदगी वगैरह हम लोग को तो दिखी नहीं, बहुत ही क्लीन था बेडरूम भी और बाथरूम वगैरह भी, किचन भी, हॉल भी, स्विमिंग पूल भी बहुत ही क्लीन था। और ये है सेकेंड बेडरूम, यहाँ के बेडरूम में दो दो बालकनी है। ये भी बेडरूम का इंटीरियर देखो बहुत अच्छा है, और हर एक बेडरूम में टीवी भी है, आप लोग टीवी भी देख सकते हैं। और ये भी बेडरूम में एसी भी है, और ये है बालकनी। ये विला के फ्रंट साइड से है ये बेडरूम, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा था, एकदम सुकून एकदम रिलैक्स बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ये है सेकेंड बालकनी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसी रूम में, यहाँ पर टेबल चेयर वगैरह भी है, मतलब कॉफ़ी वगैरह ऐसे पीकर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ से भी व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। फिर मैं अभी आप लोगों को सेकेंड बेडरूम की तरफ लेकर जाती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये स्विमिंग पूल के ऊपर ही साइड है, ये विला के बैक साइड में है थर्ड बेडरूम, और यहाँ से स्विमिंग पूल नज़र आता है, और इसका इंटीरियर देख सकते हैं, और ये भी रूम में एसी टीवी सब है अवेलेबल, और यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और गद्दे वगैरह भी है। और ये वाली बालकनी में से भी बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, और इसी के नीचे पूल भी है, बच्चों को वेट नहीं हो रहा था तो सब लोग फटाफट से चेंज करके चले भी गए पूल में और एंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ की अलमारी देखो सब क्लीन है यहाँ पर हर एक चीज़। आप लोगों को ये विला की लिंक चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। वाले बेडरूम में भी मिरर सेल्फी है। लो तो अब हम देखेंगे टेरेस, और टेरेस भी इसका अच्छा बड़ा ही है। टेरेस पे भी अरेंजमेंट किए हैं बैठने के लिए, चेयर टेबल है। टेरेस पे से भी बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था यहाँ का, एकदम सुकून सुकून लग रहा था बहुत। फिर हम लोग ने यहाँ पर चिकन सीख बिरयानी ऑर्डर किए थे,
ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। आप लोग भी ऐसे विला में, लोनावला में जाते हैं, विला में स्टे करते हैं, तो अगर आप लोगों को भी ये वाली डिश खानी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका नंबर आप लोगों को सेंड करूँगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग लोनावला में टाइगर पॉइंट पे भी जाते हैं, वो लोग टाइगर पॉइंट पे भी आप लोगों को डिलीवरी दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स कर रही थी सॉन्ग सुनते हुए, और फिर इसके बाद हम जाने वाले थे पूल में। हम लोग यहाँ पर सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे। फिर सब लोग ने जंप की, मैंने तो, मुझे तो नहीं आती इसलिए मैं तो डर के मारे जंप ही नहीं की, और जासिया ने भी जंप ही नहीं की, बाकी सब ने जंप किए। इन लोग का तो एंजॉय करने का लेवल ही अलग होता है। यहाँ अब्बू को तो देखो कितने अच्छे से स्विम कर रहे हैं, हम लोग को तो ये सब कुछ भी नहीं आता करने के लिए, और अब्बू ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। हटिए, हमारा भाई चाय बना रहा है, हमको दिखाने दो। भैया चाय बना रहा है। चाय नहीं, कॉफी है। कॉफी है, कॉफी है। सीधे बीच में आ रहे हैं। भैया घर में कभी कॉफ़ी चाय वगैरह सब कुछ भी नहीं बनाता, कभी कुछ बनाता ही नहीं है, और ऐसे हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखे भैया को ऐसे बनाते हुए कॉफ़ी, और सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी कॉफ़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। सेल्फी तो बनती है हर जगह। हमारे विला के सामने यहाँ पर गेम रूम था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी खेलने के लिए, पूल टेबल वगैरह, और यहाँ पे बैठने के लिए भी है, और इसी के सामने छोटा सा गार्डन भी है वॉकिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखो कैसे गेम्स वगैरह रखे हैं खेलने के लिए, और ये है छोटा सा गार्डन वॉकिंग करने के लिए।
हम लोग यहाँ पर सब लोग टाइम पास कर रहे थे बैठ के, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं उसी के सामने हमारा ये विला है जहाँ पर हम लोग ने स्टे किए थे, और ये काफ़ी अच्छा बड़ा है। तो देखो गाइस, मेरे भाईजान अभी कॉफ़ी बना रहे हैं, आपको दिखाती। ये देखो अभी दूध गर्म हो रहा है। शाम में भैया ने बनाए थे, अभी रात में भाईजान बना रहे हैं। देखते कैसी बनती है कॉफ़ी। हाँ भाईजान, कैसे बनेंगे कॉफ़ी अच्छी की बुरी? कॉफ़ी पीने के बाद बताना आप कैसे बने। एक कॉफ़ी रेडी, सर्व कर रहे भाईजान अभी, टेस्ट करके बताएंगे कैसे बनाए। तुम लोग बताएंगे? वही हम लोग ही। सबको मिलेगी, चाय नहीं है कॉफ़ी है। बाप रे कितना फुल का। भाईजान ने भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाए थे, भैया भी और भाईजान भी दोनों ने बहुत अच्छी बनाए थे। इन लोग कभी बनाते नहीं हैं और अभी पहली बार बनाए तो अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद हम लोग ने कॉफ़ी पीने के बाद बाहर थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए निकले थे। यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए भी अच्छा बड़ा स्पेस है। ये वीडियो में देख सकते हैं कि कितना अच्छा है वॉकिंग करने के लिए। फिर हम लोग ने सोचे कि थोड़ा सा टाइगर पॉइंट पे जाके आएंगे, और फिर आइसक्रीम वगैरह भी लानी थी तो फिर हम लोग चले गए। और फिर यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे सनरूफ में से निकल के वीडियोस बना रहे थे। हम लोग सब लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था रात में यहाँ पर। हाय एवरीवन, फिर हम लोग यहाँ पर हमारी विला में आ गए, और फिर यहाँ पर चेकिंग वगैरह भी होती है कि कोई आउटसाइड वाला अंदर ना आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर, हम लोग आने तक के यहाँ पर बिरयानी आ गई थी, और फिर ये भी बिरयानी हमने उन्हीं के पास से मंगाई थी। ये है तंदूरी बिरयानी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। ये तो मुझे सीख बिरयानी से ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। फिर इसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम खाए, और यहाँ पे हम लोग ने फिर दम शराज खेले, और यहाँ पर फर्स्ट आइजा को ही हम लोग ने एक्टिंग करने के लिए रुकाए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चोर चिट्ठी खेल रहे थे, और चोर चिट्ठी खेलने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी चोर मतलब ज़ीरो आया नहीं, और बाकी सब तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीट्स आ रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग ने वापस से आइसक्रीम खाए। फिर उसके बाद ऊनो खेल रहे थे, और ऊनो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने ज़्यादा खेली नहीं। और अम्मी के साथ हम लोग यहाँ पर चूल्हा खेल रहे थे, और रात के बज रहे थे 2:30, और हम लोग ऐसे झूला खेल रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ पर सुबह उठ गए, फिर मैं रेडी हो गई। फिर अलीफा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर रहे थे। रेडी होने के बाद मैं यहाँ पर मैगी बना रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए।
फिर हमारी यहाँ मैगी रेडी हो गई और हम लोग पूल एरिया के पास बैठ के खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैगी खाने के बाद मैं यहाँ पर कॉफ़ी बनाने के लिए आ गई और अभी ये बारी मेरी थी कॉफ़ी बनाने की, तो फिर मैंने बनाई वो कॉफ़ी और मेरी भी कॉफ़ी सबको बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने भी थोड़ा सा ड्राइव की, मुझे ये कार बहुत अच्छी लग रही थी ना, इसलिए मैंने भी सोची कि थोड़ा सा ड्राइव करूं और चेक करूँगी कि इसमें कितना मज़ा आता। तो सही में बहुत अच्छी कार थी ये वाली, बहुत स्मूथ है ये कार ड्राइव करने के लिए और बहुत ही इजी है। हम लोग यहाँ विला से निकल गए। पर देखो मारिया कैसे सो रही है
उसको तो बहुत नींद आ रही थी रात में जागने के बाद इतना, और इतना खेलने के बाद तो इन लोग को ये टाइम पे तो नींद आना ही है, इसलिए वो सो रही थी। और कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पर देखो आइजा के फ़ोटोशूट चल रहे कार में भी। फिर हम लोग ने ये रेस्टोरेंट मुहे वड़े वाले से हम लोग ने वड़ा पाव लिए थे। यहाँ का वड़ा पाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और माज़ा लिए थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी इसलिए। ये हमारा लास्ट फ़ोटो है विला के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए हम इस विला में। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।